नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 4 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। देर रात तक की जा रही है जमीनों की रजिस्ट्री। जिला निबंधन कार्यालय में बीते कई दिनों से सुबह से लेकर रात के 12 से 1 बजे तक लोग अपने जमीनों की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। दरअसल सरकार की ओर से एक पत्र पूर्व में कहा गया था कि जिनके नाम से जमाबंदी होगी अब वही लोग जमीन बेच सकेंगे, जिसके बाद लोगों की लंबी लंबी कतारें जिला निबंधन कार्यालय के बाहर लगनी शुरू हो गई। आपको बता दें, सरकार का यह निर्णय 2 अक्टूबर के बाद से लागू होने की संभावना थी, लेकिन फिलहाल अभी तक इस बारे में अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई है। बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को मिला 23वां स्थान। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा करते हुए बताया है कि स्वच्छता रैंकिंग की बापूधाम मोतिहारी स्टेशन देश में 23वें स्थान पर आ गया है। हालांकि साल भर पहले यह पूरे देश में 264वें स्थान पर था। दरअसल इसका विकास चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में तेजी से हुआ है। यह स्टेशन स्वच्छता के लिहाज से काफी विकसित हुआ है। वहीं देश भर के 600 स्टेशनों की बात करें तो उसमें 30 विकसित स्टेशनों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें बापूधाम मोतिहारी स्टेशन ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। बिहार में हाल ही में हुए बारिश के कारण पैदा हुई स्थिति पर विपक्ष सरकार पर लगातार आरोप लगाने से नहीं चूक रही है। हाल ही में राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए लिखा है कि पटना भले ही पानी पानी हो, लेकिन सरकार तो बेपानी नजर आ रही है, बल्कि सवाल पूछने वालों से ही सरकार मुंह मोड़ ले रही है। सरकार अमेरिका और मुंबई का हवाला देकर सवाल पूछने वालों का मुंह बंद करना चाहती है। आखिर आवाम कहां फरियाद करे? अगर सरकार उनकी नहीं सुनेगी तो किसको वे अपनी समस्या सुनाए? चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए तय की अपनी रणनीति। लोजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार लोजपा का दायित्व संभालते हुए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बिहार में आगामी लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में चिराग ने समस्तीपुर में लोजपा को जीत दिलाने की रणनीति तैयार की है। साथ ही साथ जदयू भाजपा की विधानसभा सीटों के लिए भी लोजपा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। बिहार शिक्षक नियोजन ने 6ठे रोस्टर के लिए रिक्तियां की जारी। पटना जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में 6ठे नियोजन के लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा रोस्टर के साथ सभी नियोजन इकाई की रिक्तियां भी बहाल की गई हैं। अब इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में मदद मिल सकेगी। 6ठे नियोजन में 2272 रिक्तियां शामिल है। आपको बता दें, कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए 1822 और 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए 450 रिक्तियां शामिल है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को स्नातक के 3 साल का अंक पत्र देना हो। सबसे स्वच्छ स्टेशन की सूची में पटना जंक्शन पहुंचा 6ठे स्थान पर। भारत सरकार की एजेंसी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने देश भर के 720 स्टेशनों की सूची जारी की है, जिसमें पटना जंक्शन देश भर के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों की सूची में 6ठे स्थान पर आया है। दानापुर मंडल के रेलवे स्टेशनों की इस सर्वे में एक साथ कई उपलब्धियां हासिल हुई है। वहीं राजेंद्र नगर टर्मिनल को देश का सबसे हरित और प्रदूषण मुक्त स्टेशनों की सूची में पहला स्थान मिला है। इसके साथ ही पाटलिपुत्र जंक्शन को इस सूची में 24वां स्थान मिला है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री जुटे विधान परिषद चुनाव की तैयारियों में। विधान पार्षद नीरज कुमार आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं जदयू ने भी अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पटना महानगर अध्यक्ष अमर सिन्हा की अध्यक्षता में पटना महानगर जदयू के सेक्टर अध्यक्ष एवं महानगर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की विस्तारित बैठक का आयोजन किया है। बैठक में आगामी पटना स्नातक निर्वाचक क्षेत्र में मतदाता भर्ती की प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। पटना में जलजमाव के कारण देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन टला। बिहार के अधिकतम राज्यों में भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुए हालात के मद्देनजर देश के सबसे पहले खादी मॉल के उद्घाटन को टाल दिया गया है। मॉल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले थे। 3 महीने इस मॉल में खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री होनी है, जिनके लिए देश के कई राज्यों के खाद्य स्टॉल इसमें लगाए गए हैं। गांधी के सपने को साकार करने के लिए एवं बिहार में खादी वस्तुओं का बढ़ावा देने के लिए इस 3 मंजिला खादी मॉल का निर्माण किया गया है। बीपीएससी प्री परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी। बीपीएससी की 65वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यह परीक्षा 15 अक्टूबर को होगी। परीक्षा में कुल 4,11,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
आयोग की ओर से वैसे स्कूलों और कॉलेजों की परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला किया गया है जहां पर सभी सुविधाएं मौजूद हो। इसके अलावा एक से दूसरे परीक्षार्थियों की दूरी कम से कम 1 मीटर तय की गई है। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल की पाबंदी रहेगी। ना अभ्यर्थी ना ही शिक्षकों को परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी। गिरिराज सिंह ने बिहार की ऐसी स्थिति को बताया एनडीए की नाकामी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में जलजमाव से बढ़ती परेशानियों को एनडीए सरकार की नाकामी बताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार की ऐसी स्थिति हम सबकी वजह से है। ऐसी स्थिति को प्राकृतिक रूप देकर पलड़ा झाड़ कर सरकार को अपनी नाकामी नहीं छुपानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजधानी पटना में बीजेपी के सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि है, लिहाजा हम इस जवाबदेही से भाग नहीं सकते। हम सबको मिलकर जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिहार में फिर से मंडरा रहे हैं बारिश के बादल। बाढ़ और जलजमाव की समस्या से जूझ रहे बिहार के लोगों के लिए अगले 2 दिन फिर से परेशानी भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक राजधानी पटना समेत मध्य बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार का दिन बिहार वासियों के लिए भारी हो सकता है। राजधानी पटना में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां अभी तक पानी की निकासी नहीं हुई है। ऐसे में मौसम विभाग की इस रिपोर्ट से लोगों में चिंता का माहौल पैदा हो गया है। बिहार में खुले में शौच से मुक्त कर पूरा किया गांधी का सपना, सुशील कुमार मोदी। बापू ने कहा था कि राजनीतिक आजादी से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है। बिहार और देश को खुले में शौच से मुक्त कर उनके स्वच्छता के सपने को साकार किया गया है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित गांधी विचार समागम के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल में स्वच्छता दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत अब गरीब आदमी भी अपने घरों में शौचालय बना रहा है, जो बापू की 150वीं जयंती की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विपक्ष के आरोपों पर बोले नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्ञान भवन में 150वीं गांधी जयंती पर गांधी विचार समागम को संबोधित करते हुए कहा कि हमको डुबाने के लिए जो करना है कीजिए, लेकिन हम जनता की सेवा करते रहेंगे। हम प्रचार के लिए काम नहीं करते हैं, गांधी के सपनों का समाज बनाने के लिए काम करते रहेंगे। गांधी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। आज 10-15% युवा भी गांधी जी के संदेश को आत्मसात कर ले तो समाज में सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। साथ ही साथ अब जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की भी शुरुआत की जा रही है। बाढ़ में लोगों को निकालने के लिए सौम्या ने तोड़ा अपना गुल्लक। बिहार में बाढ़ से लोगों को निकालने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ऐसे में आम नागरिकों से भी ऐसे लोगों की मदद करने की अपील की गई थी। जाप नेता पप्पू यादव लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव के आवास पर सौम्या पहुंची और उन्हें 11,000 रुपए दिए। सौम्या ने बताया कि वो टीवी और अखबारों के माध्यम से देख रही है कि पप्पू अंकल रोज पटना में जलजमाव में फंसे लोगों के बीच जाकर मदद कर रहे हैं। इससे प्रभावित होकर मैंने अपने गुल्लक को तोड़कर उन्हें पैसे देने आई हूं ताकि वो लोगों की और मदद कर सके। वहीं सौम्या द्वारा पैसे दिए जाने पर पप्पू यादव काफी भावुक हो गए हैं। नाले की सफाई में बहाए गए हैं 6 करोड़। झमाझम बारिश होते ही भारी मात्रा में जलजमाव हो गया। नालों से पानी ना निकल पाने के कारण जलजमाव का स्तर और ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें, नगर निगम में अंचलों की संख्या 6 है। इन अंचलों के बड़े छोटे नालों की सफाई पर 1-1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अंचल अधिकारियों ने नाले की सफाई पर पानी की तरह पैसा बहाया। वहीं बुडको प्रशासन ने सम्प हाउसों के मेंटेनेंस पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए। सिर्फ नाले की सफाई में 6 करोड़ रुपए बहाने के बाद अब नाले की सफाई में ही अधिकारी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। अब क्लर्कों की होगी सीधी बहाली। राज्यों के सरकारी स्कूलों में कार्यरत क्लर्कों की सीधी बहाली की जाएगी। इसके साथ ही अब उन्हें विद्यालय सहायक पदनाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ स्कूलों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विद्यालय अनुसेवी के नाम से जाना जाएगा। दोनों पदों पर कार्यरत कर्मियों के गुजर जाने पर उनके आश्रितों को नियोजित शिक्षकों के तर्ज पर बहाली होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी सिफारिश नियोजन समितियों को दे दी है। SBI ने किया बैंक से पैसा निकालने और जमा करवाने के नियमों में बदलाव। भारतीय स्टेट बैंक ने ATM से पैसा निकालने और जमा कराने के नियम में बदलाव किए हैं। अब SBI ग्राहक 12 बार ही मुफ्त में ATM से पैसा निकाल पाएंगे। SBI के ATM से मुफ्त निकासी की सीमा बढ़ जाएगी। मेट्रो शहर के ग्राहक जहां SBI ATM से 10 बार मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वहीं अन्य शहरों में यह सीमा 12 हो गई है। वहीं SBI खाते में निर्धारित मासिक औसत बैलेंस नहीं बनाए रखने वाले पर जुर्माना की रकम में भी 80% तक की कटौती की गई है।
पुनपुन जिले का पानी पहुंचा सुरक्षा बांध तक। पुनपुन का जल स्तर बढ़कर सुरक्षा बांध तक पहुंच गया है। हालांकि इससे फिलहाल बांध को खतरा नहीं है। वहीं फुलवारी शरीफ प्रखंड के त्रिहुट समेत कई इलाकों में रिंग बांध के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा है। इससे रिंग व बांध के बीच का क्षेत्र जलमग्न हो गया है। आपको बता दें, नदी का जल स्तर पिछले 12 घंटे में 10 सेंटीमीटर बढ़ा है। पुनपुन का बुधवार तक जल स्तर 53.49 मीटर था। कुल मिलाकर इस वक्त नदी प्रति 2 घंटे पर 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। अब शिक्षा विभाग शिक्षकों को बताएगा बच्चों को पढ़ाने के तरीके। कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की निष्ठा पर शिक्षा विभाग हर पल नजर रखने जा रहा है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट ऐप के जरिए शिक्षकों के हर दिन की शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी ली जाएगी। साथ ही इसके माध्यम से शिक्षकों की नई नई जानकारियां भी दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से राज्य के पहले चरण में जिले के करीब 20 नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रेनों में नहीं मिल रही सीट। अक्टूबर के महीने में ही इस साल दुर्गा पूजा, दिवाली और नवंबर के पहले सप्ताह में छठ पर्व होने के कारण ट्रेनों में आने वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। पर्व को लेकर ट्रेनों की सीटें अभी से बुक हो गई हैं, जिसके कारण भागलपुर आने वाली सभी गाड़ियों की सीटें भर गई हैं। 5 अक्टूबर के बाद आनंद विहार से आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में जगह भर गई है। सभी ट्रेन में 11 तारीख के बाद ही जगह उपलब्ध है। ऐसे में तत्काल टिकट से ही कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। 8 अक्टूबर तक पटना जू में दिखाए जाएंगे मुफ्त में 3D फिल्में। संजय गांधी जैविक उद्यान के 3D थिएटर में 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक निःशुल्क फिल्में दिखाई जा रही हैं। पटना में बारिश के कारण हुए जलजमाव के कारण 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान प्रस्तावित सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। पटना जू के 3D थिएटर में प्रतिदिन चल रहा है 6 शो में से 5 शो 3D के और 1 2D के संचालित हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। बिहार के कई जिलों में बाढ़ आने के पश्चात सियासी गलियारों में भी आरोप प्रत्यारोप के बाढ़ आ गए हैं। विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ पार्टियों पर तंज कसते हुए नजर आ रहा है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि बिहार के बाढ़ के हालात पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना आपा खो बैठे। नीतीश जी प्रवचन देने के आदि हैं, वाजिब जवाब देने के नहीं। अहंकारी सीएम ने पत्रकारों से कहा कि आपको ABCD का भी ज्ञान नहीं है। कुछ दिन पहले हमें और बीजेपी नेताओं को भी नीतीश जी यही कह रहे थे। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, फिर से बनाए जाएंगे सभी ड्रेनेज सिस्टम। कुछ दिनों पहले बिहार के कई राज्यों में हुए बारिश के कारण जलजमाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि पटना समेत सभी राज्यों में एक बार फिर से सभी ड्रेनेज सिस्टम को बनाने का काम शुरू किया जाएगा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि भविष्य में अगर दोबारा कभी जलजमाव की स्थिति आती है तो पानी को आसानी से निकाला जा सकेगा, और इस बार हम ये भी देखेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कहां चूक रही, कौन जिम्मेदार है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले हुई बारिश में पटना शहर आधे से ज्यादा डूब चुका है। राज्यसभा की 1 सीट को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक। आगामी विधानसभा उपचुनाव में लोकसभा की 1 सीट व विधानसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के मद्देनजर 1 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार के चयन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बैठक बुलाई गई थी। बैठक में जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और राष्ट्रीय महासचिव RCP सिंह शामिल हुए। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि अभी 12 घंटे से अधिक का समय है, शुक्रवार के सुबह उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। सचिन तेंदुलकर को किया गया स्वच्छता एम्बेसडर से सम्मानित। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सर्वाधिक प्रभारी स्वच्छता एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, इंडिया टुडे सफाईगिरी समिट में तेंदुलकर को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इसका आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश में शुरू किया गया स्वच्छता अभियान पिछले 5 वर्षों में वास्तव में एक बड़ा जन आंदोलन बन गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।